आज एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई जिससे सुनकर या पढ़कर आपकी रूह कांप उठेगी। जी हाँ, महिला और प्रेमी की दिन दहाड़े हत्या। ससुराल वालों ने बहू को अपने ही घर के सामने काटा। चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। ये घटना है आगरा की, जहाँ दिन दहाड़े ऑनर किलिंग हुई है। यहाँ शुक्रवार को दिन दहाड़े शादीशुदा महिला और उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई। वारदात उस वक्त की है जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर आया था। महिला के ससुराल वालों ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और गली में दौड़ाकर डंडों से जमकर पीटा। दोनों जब जमीन पर गिर पड़े तो फरसे से उनके गले काट दिए। पुलिस को महिला का शव घर के दरवाजे पर तो प्रेमी का शव गली में पड़ा मिला। नाली में खून से सना डंडा भी था। इस सनसनीखेज वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया। इससे साफ दिख रहा है कि युवक को घेर कर डंडों से पीटा गया। इसके बाद एक शख्स ने युवक पर एक मिनट में 22 बार फरसे से काटा। 10 बार तो युवक के मरने के बाद किए गए। हमलावर का नाम अभिषेक है और वह महिला का देवर है। बता दें, इस घटना के बाद पूरी तरह से सनसनी फैल चुकी है कि आखिरकार इस प्रकार की ऑनर किलिंग कैसे हो जाती है। बता दें, पूरे एरिया में इस समय दहशत सी मची हुई है, क्योंकि जिस प्रकार का जघन्य अपराध यहाँ पर किया गया है वो अपने आप में है। ये परिवार वाले हैं उस शिवम के जिसके बेटे की आज हत्या हो गई। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो उनसे मिलने गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा और ससुराल पक्षों का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते ये हत्या हुई है। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।